चार आना, अगर पैसा अगर लोकनाथ महतो ने अगर दिया होगा तो खाली मंदिर में हेल के बोलने कहिए कि चार आना दिया हो, लोकनाथ कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मंदिर से निकलेंगे नहीं। मंदिर में काहे नहीं कुर्बानी हो जाएंगे, लेकिन मंदिर से निकलेंगे नहीं। और समाज आज तक मेरा इस मंदिर में बिगाड़ने का सवाय कोई अगर कोई काम अगर किया होगा तो उसको आप प्रमाणित बताइए, प्रूफ बताइए। शशि महतो इससे पहले बोला, ऑफर दिया कि या तो तुम जमीन दे दो 6 कट्ठा जमीन भाट टोली में, या तो तुम 5 लाख रुपया दो। अगर सच पूछेगा तो 4 साल से किराया बाकी, और 4 साल से ये लोकनाथ महतो उठा रहा है, और लोकनाथ महतो उठा के तो मंदिर हम क्या करें। अगर देने लगे दारू मुर्गा शिकार खिलाने लगे तो फिर चिंतामणि ठीक है, नहीं देने के कारण से ये सब मतलब जो है गलत है। अगर लोकनाथ महतो चाहता है, अगर ये जमीन राम जानकी मंदिर का और अपना बाप पूर्वज के नाम से अगर करना चाहता है तो लोकनाथ महतो अभी आवे, अभी हम लोग सब 5 बेकर के गोली मार दे, उसको सारा हो जाएगा। धर्मनाथ महतो का भगिनी बहन जो मसुमात है उसको धर्मनाथ महतो के बोलिए कि वो चट्टी समाज के दे देने का, ये आज तेरा जमीन नहीं लोकनाथ महतो लिखाता तो हम कल जो है मतलब हम बेचने का काम नहीं करते और कुछ काम नहीं करते। ये रास्ता बताया लोकनाथ महतो बताया, ये जमीन ये दहाया है, जरा लोकनाथ महतो के कहिए। समाज पूरा ग्रामीण जनता से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं जितना है उसको कहिए कि ये जमीन आपस करने कहिए, तो हम पुनः जा कर के हम मंदिर का जमीन जितना होगा डोनेट कर देंगे, जिसको नाम से कहिएगा उसको नाम से कर देंगे, जरा करने कहिए। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं बड़का गांव के राम जानकी मंदिर में और हमारे साथ हैं राम जानकी मंदिर के पुजारी श्री चिंतामणि महतो। आपको तो पता होगा राम जानकी मंदिर को लेकर के जो समाचार की सुर्खियों में बातें चल रही है उसी को लेकर के पुजारी चिंतामणि महतो ने इच्छा जाहिर की कि हमें भी कुछ सफाई देना है, समाज ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है उसको हम भी कुछ सफाई देना चाहते हैं ताकि जनता जाने, और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है समाज ने, मंदिर की ज़मीन अपने नाम कराने का आरोप है, मंदिर को कब्जे में करने का आरोप है, और यहाँ तक कि मारपीट का भी इनके ऊपर आरोप है। इनका इसमें क्या सफाई आता है, कितनी बातें सच है कितना झूठ है, ये खुद अपनी जबान से आज बोलेंगे। लेकिन इनसे आज हम एक वादा लेना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में हैं तो जो भी कहेंगे ये सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल सफ़र 24 में सच के अलावा झूठ नहीं चलता है। इसलिए हम इनसे आग्रह करेंगे चिंतामणि महतो से कि मंदिर प्रांगण में जो भी आप बोलेंगे सच बोलिएगा। चिंतामणि महतो जी, हमारा चैनल सफ़र 24 में आपका स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। सवाल बहुत है, गंभीर आरोप भी आपके ऊपर, लेकिन सबसे पहला हम सवाल का शुरुआत आज करेंगे कि कल जो बैठक बुलाई गई थी सभी 23 पंचायतों की, इसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, उसमें आपको बुलाया गया था कि नहीं, तो बताइए हाँ या ना में बुलाया गया था कि नहीं। हमारा बुलाया गया था। कौन बुलाया था? तो झमन महतो ने आज 4 दिन पहले बोला था। आप पंचायत में कल का बैठक में क्यों नहीं आए? आपको सही से बुलाया नहीं गया या फिर आप आना नहीं चाहे, क्यों नहीं चाहे आए? मेरा पता नहीं था, झमन महतो आज 4 दिन पहले बोला था कि आपका ऊपर पंचायत खोलने जा रहा है कि आपका क्या कहना है। हम तो पंचायत में मैं तैयार नहीं हूँ, पंचायत में इसलिए तैयार नहीं है, पंचायत में मेरा उस मंदिर मेरा खमदानी है, मेरा हम उसको खमदानी से ले जुड़े हुए हैं, उसको वंशावली से उसको आप देख सकते हैं। झमन महतो का हम पूरा उसको विस्तार रूप से हम बताएं तो झमन महतो ने खुद बोला कि आपका जो इच्छा है वो कर सकते हैं, तो हमने बोल दिए। यानी आप अपने स्वेच्छा से पंचायत में जाने के लिए इनकार किए? इनकार किए। और आप दूसरा जवाब दीजिए, आपके ऊपर मंदिर की जो ज़मीन है 2.43 एकड़ अपनी पत्नी के नाम कराने का आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर आपने कराया है तो उसका वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, वो सही तरीके से कराया है या गलत तरीके से कराया है, इस बात पर बताइए। वो जो डॉक्यूमेंट हुआ है पूरा सही तरीका से हुआ है, जब यहाँ हम लोग यहाँ रहने के लिए यहाँ कोई इच्छुक नहीं था तो बुढ़िया का काफ़ी मतलब ये बुढ़ापा हो गया था, तो पूरा हमारा गोतिया समाज बद्री महतो वगैरह जितना जो है बैठ करके निर्णय लिया गया, सबसे पूछा गया, कोई यहाँ तैयार नहीं हुआ। तो फिर जो ऐसे रवि महतो जो भी वर्धमान है बद्री महतो है, उन लोग बोला कि तुम्हारा खमदान का है, तुम आज रहेगा तुम्हारा कल पूर्वज बाल बच्चा रहेगा, आने वाला पीढ़ी में चलते रहेगा, तुम्ही लोग तुम्ही से मंदिर चल सकता है। तब जो है मेरा नियुक्त किया गया और कागज लिखित के साथ रखा गया। इससे पहले मौसी बाड़ी
काली मंदिर पास था, वो मौसी बारी हमारा बड़का गांव चट्टी का समाज लोग ने तोड़वाने वाला काम किया, जिसमें मेरा पास पेपर है, शशि महतो का उसमें साइन है, लोकनाथ महतो का साइन है, आपका प्रमुख साहब का साइन है, आपका बुद्धनाथ गुरु जी का, बहुत तरह तरह का आदमी का मेरा पास साइन है, उसका मेरा प्रमाणित है। और उसी दरिया में जब हमने बुढ़िया का लेकर के गए वहाँ मौसी बारी, तो वहाँ समाज ने बोल दिया कि जाओ जहाँ जाना है तहाँ। फिर हम लोग धर्मचंद महतो और हम ने थाना गए, थाना से उसके बाद तिलनाथ हजारीबाग में था वहाँ गए। वहाँ से आने के बाद प्रमुख साहब जीवित थे, प्रमुख साहब से बोला गया, प्रमुख साहब बोल दिया कि कहीं लाइटिंग रूम है तो वहाँ साफ करने के लिए, लेकिन मंदिर के बारे में मत बोलिए। बुढ़िया ने रोने धोने लगा, टैक्सी स्टैंड से बुढ़िया के उठा करके लाए, 3 दिन और 3 रात वो मरने सवा छोड़ के अन्न पानी पूरा त्याग दिया। उसको साथ मैं चिंतामणि महतो और मेरा पत्नी, हम लोग दोनों निछावर कर दिए कि दादी कुछ कोई नहीं है, हम हैं आपको। तब 4th दिन में बोला कि बेटा ठीक है, तुम पूजा पाठ करो, भोग लगाओ, है ना। तब पूजा पाठ के भोग लगाए, जब हम खाना निकालने गए और परोसे, तब बोला कि रोने लगा बुढ़िया, बोला कि हम नहीं खाएंगे, हम मरना ही सवा मतलब खाएंगे नहीं। तब यहाँ का लखन साहब का पत्नी और वही कामू मोहल्ला का एक बुढ़िया आई थी, बोला कि बेटा मतलब जब बोले थे तुम कि साथे खा ले, साथे खाइए, तो हम वहाँ प्रतिज्ञा लिए कि दादी हम ठीक है आपको साथ हम खाते हैं, लेकिन खाने का गुण रखिएगा। तब उन्हें उसको साथ खाए, तब उसको सब उसको बाद तुरंत उसको शाम के बैजू पंडा करके बुला करके नेव का दिन निकाले मौसी बाड़ी अपना जमीन में, बुढ़िया मुंगिया का अपना जमीन में वहाँ नियुक्त किए, जिसका मेरा प्रमाणित है। वहाँ हम सारा कुछ किए, नेव दिए पूरा पारायण प्रतिष्ठा वगैरह सारा कुछ किए। अगर चट्टी बड़का गांव का अगर 5 रुपये पैसा उस मंदिर बनाने में दिए हो गए, हम आपका केरीगढ़ा से भी चंदा लिए, लेकिन बड़का गांव का समाज यही लोकनाथ महतो पास गए थे, लोकनाथ महतो ने बोल दिया कि जाओ ये सब काम अब तुम लोग तमाशा बना लिया है, लेकिन लोकनाथ महतो मतलब बनाया नहीं। उसको बाद फिर जो है जब बुढ़िया का जब काफ़ी ये हो गया और जब जो मतलब तंग करने लगा, तब जो उसे बोला बुढ़िया खुद ने बोला कि बेटा तुम लिखवा लो और नहीं तो फिर ये सनी लूट लेगा मेरा मरने पर। तो हमने फिर 3 लोगों को लूटने की शंका थी बुढ़िया को, जटाई बुढ़िया को, क्या नाम, मुंगिया देवी वो जो थी विधवा मुंगिया देवी मसुमात जो थी, 3 लोगों पर उनका शंका था कि हमारी ज़मीनें लूट सकती है, जिससे वो आपको ऑफर की कि तुम लिखवा दो वसीयत। वही सब ये सब जो पहले लोकनाथ महतो बुढ़िया के पास आई थी, जो 13 डिसमिल जमीन लिखाए हैं वो ओनली फॉर बुढ़िया का जमीन है, आधा तो मंदिर का है। 13 डिसमिल कौन लिखवाए? लोकनाथ महतो। किन से? वो हमसे लिखवाए पहले बुढ़िया। जमीन रजिस्ट्री हो गया, रसीद कटा? हाँ, रसीद कटा, रजिस्ट्री हो गया। वो 13 डिसमिल जमीन का, 13 डिसमिल का जमीन का आधा मेरा हिस्सा है, आधा मंदिर का है, यानी बुढ़िया का है, ओनली फॉर खमदानी कुर्सीनामा में आधा है बुढ़िया का, आधा मेरा है। तो आधा ने हम लिखवा लिए, हम लोग चचा लिखा, हम लिखे, मेरा भाई लिखा, आधा जमीन फिर मतलब लिखा लिया, फिर 13 डिसमिल लिखा लिया लोकनाथ महतो ने। कंटिन्यू है वसीयत जो बना आपके नाम से, वो वसीयत पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, शशि कुमार मेहता और जो तमाम ग्रामीण हैं, सुरेश महतो जो लोग हैं और भी लोग हैं, उनका कहना है कि वो वसीयत गलत है, फर्जीनामा है। इसलिए गलत बोल रहा है कि लोकनाथ महतो तो वहाँ 13 डिसमिल जमीन लिखा लिया, आधा लिखाना था लेकिन 13 डिसमिल लिखा लिया। शशि महतो ने सबसे पहले जो हमारा बताना चाहते हैं कि जो मेरा साथ जो बीत रहा है आज, ये जमीन का मैटर से बाहर भी बीत रहा है, आज अगर यदि हम 7-8 कट्ठा जमीन हमने दे देते बड़का गांव का जो दबंग लोग व्यक्ति लोग है उसको दे देते, आज ये हरकत मेरा साथ कुछ नहीं होता। जैसे आप खुल के बताइए कौन से दबंग लोग व्यक्ति है जो आपकी जमीन को लेने का प्रयास कर रहे थे या फिर दबाव दे रहे? दबाव देने वाला व्यक्ति जो है यानी रंजीत महतो ने अभी 2 कट्ठा जमीन वो बोल दिया है कि अगर यदि मेरा जमीन पर अगर चढ़ा, वो मेरा जमीन है तो काट करके वहाँ दफना देंगे डर से। आज मतलब आज 10 साल से हम उस जमीन पर जा नहीं रहे हैं। और जमीन आपका है? हम जमीन मेरा है जमीन। अच्छा, आप हमें ये बता दीजिए कि जमीन जो आपका है टोटल जो आप बेच रहे हैं या फिर जिस पर हक जताते हैं, वो जमीन जो बुढ़िया थी मसुमात मुंगिया थी उनके वसीयत के बाद वो आपका हुआ या फिर वो आपका पुरखों से है या वो वसीयत की तब आपका हुआ? नहीं, मेरा वसीयत की तब मेरा हुआ। यानी जो जमीन वसीयत की उसके बाद से उस पर आपका, आप अपना दखल मानते हैं? जी, आधा का हिस्सेदार बुढ़िया थी, आधा ने हम लोग चचा वगैरह जितना है सब है कुर्सी नामा आप देख सकते हैं,
यानी आधा आपका था, आधा जो बुढ़िया के पास था, हाँ। तो वो आपको वसीयत कर, वो वसीयत किए हैं। और उस जमीन जो बुढ़िया का था, जो वसीयत की है, और आपका जो जमीन है, उसमें से कुल कितने जमीन पर लोगों का, दूसरे लोगों का कब्जा, किनका किनका कब्जा, आप नाम से बताइए। सुरेश महतो पास 1 एकड़ जमीन है कब्जा में। अथी दशरथ महतो पास है, और कितना है अंदाज बोलिए। दशरथ महतो पास 20-25 कट्ठा जमीन है, यानी सारा टोटल जमीन उन लोग का कब्जा में है। लोकनाथ महतो पास भी है? लोकनाथ महतो पास नहीं, लोकनाथ महतो पास 13 डिसमिल जो लिख दिए, खरीदे जो खरीदे बिक्री, मतलब जो, मतलब समझिए जबरन जो कहिए वो उसका पास है। पैसा नहीं मिला उसका? नहीं, पैसा मतलब नहीं, बदलाइया जमीन था तो उसको आधा मेरा लिखना था, लेकिन पूरा लिखवा लिया। लिखने का तो मेरा रेट था आधा, आधा तो कहीं भी लिख सकते हैं, आधा आपका भी लिख सकते हैं, लेकिन आधा तो मैंने पूरा लिखा लिया। आपको क्या लगता है, पूरा गांव के लोग या पूरा समाज के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, या फिर कुछ चुनिंदा लोग पड़े हुए हैं आपके पीछे? कुछ मानिए गानिए आदमी जो दबंग लोग हैं, जैसे जो शशि महतो है, रंजीत महतो है, ये सब जो है, मतलब कुछ दबंग लोग जो हमारा बड़का गांव के आज से नहीं, पूर्वजों से ये है, जिसका कारण से भाट टोली का जमीन हजारीबाग रोड, वहाँ 5 कट्ठा जमीन मंदिर का नाम से बुढ़िया का जमीन है, वो अगर यदि हम दे देते तो कहानी, ये सब कहानी कुछ नहीं होता। आप हमको एक बात और बताइए कि मंदिर में आप पुजारी के तौर पर आए, आपका पेपर है लोगों के पास, उनको दिखा रहा था हम लोग, कि जब वो पुजारी का पद ग्रहण किए, उनको पूजा करने के लिए दिया गया, तो वो लिखित में दिए हैं और बोले हैं कि हम पूजा के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमको समाज जब तक यहाँ रहने देगी हम रहेंगे, और अगर कहीं जाने बोलेगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन पूजा के नाम पर आप आए, और समाज का ये लोग कहना है कि पूजा के नाम पर वो आए और धीरे धीरे ज़मीनें अपने नाम से करने लगे, इसमें क्या है? हम पूजा के नाम पर नहीं आए, मेरा बुढ़िया लाई है, बुढ़िया वसीयत की है, बुढ़िया का बेटी थी, उसका नहीं रहा, तो हमारा बुढ़िया लाए हैं, ये समाज नहीं लाया है। समाज एक, मतलब गोतिया समाज जो है, एक थोड़ा सा मतलब कि कागज बना दिया कि आपको सुचारू रूप से अच्छा से जैसे बुढ़िया चलाती थी वैसे चलाना, वैसे हम कर रहे हैं। एक समाज का, अगर किसी समाज का लोकनाथ महतो हो चाहे शशि महतो हो, किसी के नाम पर अगर ये पेपर अगर यदि बता देगा तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए मेरा साथ ऐसा कर रहा है कि जमीन का हरकत है, जमीन अभी अगर दे दें तो ये सब मामला, कहानी समाप्त हो जाएगा। यानी जो जमीनें जो कब्जे में लोग रखे हुए हैं उसको मांग रहे हैं? हाँ, उसको मांग रहे हैं। आप लिख देंगे तो जमीन हो जाएगा उन लोग का? हाँ, तो लिख देंगे, जब लोकनाथ महतो लिख सकते हैं तो जब हो गया तो और के लिखेंगे, क्यों नहीं हो सकता है। आप नहीं लिख रहे हैं इसलिए आपके पीछे पड़े हुए जी। यहाँ रह गया एक बात, हम भूल गए हैं बताना चाहते हैं, जो अपहरण वाला मामला जो बोलते हैं कि अपहरण अपने से कर लिए, ये अपहरण हमारा बड़का गांव का ग्रामीण जनता मतलब करवाया था, और करवाने वाला लोकनाथ महतो शशि महतो, थाना में मेरा बोलना पड़ा मजबूर होकर के, थाना में मेरा मतलब मार खाना पड़ा, और थाना के दबाव से हम बोले कि हम अपने से भागे हैं। ये सहेश महतो जा करके अभी बोल सकते हैं कि, बोला कि जा करके बोल दीजिए कि हम अपने से भागे हैं, सारा मैटर खत्म हो जाएगा। हम SB पास गए, SB पास बयान देने लगे, SB ने, SB का जो पीयून था वो बोल दिया कि चलो हम बयान ले लेते हैं, सारा वहाँ तक मामला कहानी खत्म हो गया। जो अपहरण करने वालों में कौन कौन? अपहरण करने वाला वहाँ तो चिन्हित नहीं हुआ, लेकिन हमारा बड़का गांव का ही मतलब क्या नहीं कि द्वारा मतलब किया गया, अभी जितना भी जो मेरा बीत रहा है बड़का गांव के ही द्वारा जो दबंग लोग व्यक्ति लोग हैं लोग करवा रहा है। थाना में मतलब बोले कि नहीं हम अपने से भागे थे, कोर्ट में आपने फिर जाके बोला कि नहीं मेरा अपहरण हुआ था, अपहरण हुआ, आपने अपनी बात बदली जी, और आप अभी कह रहे हैं कि हम बात इसलिए बदले क्योंकि थाना से हमको दबाव दिया गया जी। तो थाना दबाव दिया गया, तो फिर हम SB पास हम बयान देने लगे, सच्चाई जो बयान देने लगे, तब जो उसका जो प्यून था SB का वो बोला कि सर हम इसको बयान ले लेते हैं। फिर वहाँ जो SB का जो प्यून था वो बोला कि आप जाइए आपका बयान हो गया, मेरा बयान वहाँ अभी तक पूरा सच्चाई नहीं लिया गया। वही तो कहानी है। समाज में जब बैठकें होती है, गणमान्य लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, आप कहना, आपको कहना है कि जिन लोगों के पास जमीन है जो दखल में रखे हुए हैं वो लोग उसको लेना चाहते हैं हमसे, हम दे नहीं रहे इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए कुछ लोग जी। लेकिन समाज में जब बैठक होता है तो कुछ लोग नहीं आते हैं, बहुत लोग आते हैं, आप समाज में जाते हैं अपनी ये सभी बातें क्यों नहीं रखते हैं सबके लोग? समाज में कितना बार हम जा चुके हैं, कितना बार यहाँ बैठक हो चुका है, कितना बार जो है यहाँ कमेटी बन चुका है, और समाज आज तक मेरा इस मंदिर में
बिगाड़ने का सिवाय कोई अगर कोई काम अगर किया होगा तो उसको आप प्रमाणित बताइए, प्रूफ बताइए। बुढ़िया मर गई, बुढ़िया के मरने के बाद 16,000 पत्तल लाए, पूरा तमाम बड़का गांव तैसो गांव खाया, लेकिन अगर 5 गो पैसा लोकनाथ महतो घर से एक पहला चावल आया था, उसी साल लोकनाथ महतो हारे थे और जलाने नहीं तक गया था, और आज लोकनाथ महतो कहता है कि नहीं समाज का है, आज लोकनाथ महतो सारा सर गलत है, और लोकनाथ महतो का अगर यदि हम वहाँ फ्लैट बनाने के लिए देते जमीन तो आज ये सब कहानी कुछ नहीं होता। ये सारा करवा रहा है तो हमारा बड़का गांव का लोकनाथ महतो करवा रहा है। आपसे हमारा अगला ये सवाल है, वसीयत जो आपको हुआ लोकनाथ महतो और तमाम लोगों का ये कहना था इस बार मैं ऐसा कहूँ कि वसीयत जो है उससे पहले जो बाबा मेघन दास थे जो बुढ़िया के ससुर थे, उन्होंने राम जानकी मंदिर के नाम से अपनी पूरी जमीन दान पत्र के माध्यम से सौंप दिया है, इसमें कितना सच्चाई है, वो क्या दान कर दिए हैं? अगर दान कर दिए हैं, मेघन दास बाबा जी ने दान किए हैं, तो उस पेपर लोकनाथ महतो शशि महतो रसीद सिर्फ जो है और रजिस्टर 2 में नाम है, और उसका अलावा अगर कोई भी पेपर अगर यदि होगा तो लोकनाथ महतो को बताने कहिए, शशि महतो बताने, किसी व्यक्ति को बताने कहिए। आज से 150 पीछे साल कोर्ट में जा करके हम भी खोजे, शशि महतो वगैरह सब जितना जो छठू महतो वगैरह सब खोजा के खोजा, पेपर नहीं। अगर पेपर अगर यदि ओनली 4 अगर मिलता भगवान के नाम से, रजिस्टर 2 में किसके नाम से है पेपर? राम जानकी मंदिर के नाम से। राम जानकी मंदिर जी, रसीद किस नाम से कट रहा है भाई? नाम से राम जानकी मंदिर के नाम से, राम जानकी मंदिर, जानकी महतो पहले रसीद हम दिखाएंगे, पुराना रसीद जानकी महतो के नाम से कटता था, मेरा जानकी महतो दादा का नाम था। तो फिर राम जानकी मंदिर कैसे आ गया? राम जानकी मंदिर ने करवाया बाबू महतो पहले जिम्मेदारी रसीद कटता था, तो जब इसको कोई नहीं आया और कोई नहीं बचा इसको, तो बाबू महतो ने ये जिम्मेदारी रसीद कटवाया, और मतलब जानकी महतो की जो रसीद कट रही थी उसको राम जानकी मंदिर किया गया, बाबू महतो करवाया। इसका हम पूरा कन्फर्म है, बाबू महतो मेरा साथ, उसको साथ हम, मेरा पिताजी आते थे साथ में, उसको साथ हम रहते थे, और पिताजी के काट करके और वो रसीद देते थे, बुढ़िया मतलब ये घर का था उसमें रखता था, और जिस मतलब सारा मतलब ऐसे ही रहता था। देखिए, इनका कहना है कि राम जानकी महतो के नाम से रसीद कट रहा था जो इनके पूर्वज जी, और बाद में छल से उसको राम जानकी मंदिर के नाम से करा दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो हम अपनी तरफ से प्रमाण नहीं दे सकते जब तक हमारे पास पेपर नहीं होगा, लेकिन पुजारी चिंतामणि महतो कहना है कि राम जानकी महतो के नाम से कटते आ रहा था, नाम भी था, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया कि वो राम जानकी मंदिर के नाम से वो सारी ज़मीनें हो चुकी हैं। तो आप हमको ये बताइए कि राम जानकी मंदिर के नाम से कट रहा है, और ये राम जानकी मंदिर, जब मंदिर शब्द किसी पेपर में आ जाता है तो वो ऐसे ही सार्वजनिक हो जाता है, तो आप उस पर क्यों नहीं पिटीशन दायर किए कि ये मंदिर हटा करके ये हमारे नाम से कर दिया जाए? ये मेरा केस जो है, मतलब हम प्रोवेट के लिए हम रांची में फाइल किए हैं, जो हम प्रोवेट शूट के लिए यहाँ किए हैं, किसी पर केस नहीं किए हैं, प्रोवेट शूट के लिए किए हैं। यही लोकनाथ महतो ने जो मेरा डीड में जो पहचान था उसको दबाव दे दिया कि अगर तुम जाएगा तुम्हारा जान का खतरा है, वो बेचारा डर से नहीं गया। मेरा भी यहाँ बैठ करके पूरा तमाम जनता लोग बैठ करके, ग्रामीण लोग बैठ करके, और ज़बरदस्ती एकदम जबरे यानी गोली का नोक पर मतलब ये करवा लिया, और मेरा पत्नी गायत्री देवी बेहोश हो गई, ज़बरदस्ती ठेपा लगा लिए, आरसी प्रसाद मर गए, वो चिकित्सा परिवारी थे, वो लोकनाथ महतो ने, बालेश्वर महतो ने फ़ोन किया, बालेश्वर डॉक्टर ने फ़ोन किया, वो आया, इसका पानी वगैरह सलान वगैरह किया, उस दिन से जो ऐसे यहाँ जो ऐसे बैठा। एक बार पंचायत नाम जो बता रहे हैं इसकी, इनकी बात को खुलासा मैं करता हूँ, एक बार पंचायत हुई थी जिसमें जब ये सारा कांड हुआ था, तो पंचायत हुई थी जिसमें इनको एक लिखित जो है पंचनामा उसमें इनको साइन कराया गया था कि आप जो ज़मीन है वो गलत तरीके से हासिल की, इसको स्वीकार कीजिए, और इन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ हम गलत तरीके से ज़मीन हासिल की है, और स्टाम्प पर इनके पूरे परिवार को और इनका ठेपा भी लिया गया, साइन भी कराया गया। अभी ये कह रहे हैं कि वो हम दबाव में किए, समाज हमको गोली के नोक पर कराई, एकदम यहाँ गोली का नोक पर यहाँ आनी, आपका देखने वाला अगर यदि जो है अगर जनता यहाँ होगा तो अगर सच्चा अगर भगवान का आ करके भगवान के शरण में आके बोलने का ये सच है कि झूठ है, अगर यदि बोल देगा कि नहीं गलत है तो जो कहिएगा समान जाएंगे, भगवान के मंदिर में हेल के बोले लोकनाथे महतो बोलने का ये लोग मंदिर में हेल करके, ये सच बात है कि नहीं? पूरा दबाव, छठू महतो भी जीवित है, छठू महतो ने पूरा उठ गया, भंडिक महतो का भाई बुद्धिनाथ महतो ने धर लिया, मेरा नरसी धर लिया, तब ने हम जब सोचे कि आप मेरा जान बचाना है, आपका प्रभु महतो, प्रभु राम पूरा शिव पिपरा डिका है, सारा जनता था, पूरा भरा हुआ था, नहीं 200-300 आदमी था,
उसका बीच में हम अकेले क्या करते। आपका धर्मचंद महतो भी थे चट्टी का, और चट्टी का बहुत मतलब सारा लोग थे, तो हम लास्ट में हम सेंड कर दिए, मेरा पत्नी नहीं कराता, बेहोशी हो गए मेरा, इसका दुर्दशा मेरा देख करके, तो इसको ज़बरदस्ती ठेपा करा लिए। तो फिर आरसी पटानी जमीन ये गलत तरीके से हासिल किए हैं, इसका जो स्वीकृति इन्होंने दिया, इनका कहना है कि जबरदस्ती लिया गया, गला धर के इनको मारपीट करके और इस तरह का लिया गया। मतलब कि ये जो सफाई दे रहे हैं अपने अपना जो साइन अंगूठा किए हैं, इसको ये खारिज कर रहे हैं कि हम अपने जान बचाने के लिए दबा में ऐसा किए, और ये भी कह रहे हैं कि हम समाज में बैठक में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमको डर लगा रहता है कि हमारे साथ मारपीट ना। एक बार यहाँ अगले साल तो यहाँ पूरा धरना दे दिया था, मेरा पत्नी के साथ क्या नहीं किया, मेरा पत्नी के साथ एक बलात्कार करने का छूटा आतंकवादी, इसको कोई काम नहीं बाकी रखा, यही शशि महतो और लोकनाथ महतो ने करवाया था। कामेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह दरोगा जिम्मेदार था, कामेश्वर सिंह के जब हम मुख्यमंत्री पास से जब फोन करवाए, जब मुख्यमंत्री पास हम वहाँ गए थे तो मुख्यमंत्री पास से जब फोन आया तब कामेश्वर सिंह ने आ करके यहाँ सारा जनता का सारा शशि महतो के बोला कि दारू पी के शशि तू मुझे बखेड़े कर रहा है, ये तुम लोग का भी हथकड़ी लगेगा। तब ने यहाँ से सब ग्रामीण जनता भागा यहाँ, और नहीं तो मेरा मत इसको हम केस दर्ज किए हैं एसबी के डीएसबी के हर जगह जगह दिए हैं, लेकिन मेरा तो कोई बात यानी उचित बात को सुनने वाला नहीं, गलत के बात सुनने वाला हर कोई है, चाहे थाना हो चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट हो चाहे कचहरी हो, जहाँ पैसा दीजिएगा सुनेगा, पैसा नहीं दीजिएगा कोई सुनने वाला अच्छा, रजिस्ट्री नहीं। जो आपके पत्नी गायत्री देवी के नाम से था 2.43 एकड़ जमीन, उसको कोर्ट रद्द कर दिया है। उसको कोर्ट रद्द नहीं किया है, उसको कोर्ट जो है मेरा यहाँ जो है प्रूफ उसको जो है मेरा करना है कि ये वसीयतनामा सही है कि जाली है, तो जो मतलब इसलिए यहाँ रद्द किया गया, रद्द नहीं किया गया, जो पहले था वैसी था, जो भगवान के नाम से उसी किसी का अगर नाम से अगर यदि डिग्री यदि हुआ होगा तो लोकनाथ महतो के बताने कहिए, वो किसी का नाम भगवान के नाम से जो था राम जानकी मंदिर के नाम से उसका डिग्री नहीं हुआ है, और इनके नाम से जो था वो रद्द नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ है। ये हमारी हाई कोर्ट में अपील किए हैं जिसका चलती रद्द हुआ है कि लोकनाथ महतो ने राजेश्वर महतो का मेरा मेन गवाह पहचान था, उसको ने बोल दिया कि हमने जाएगा तो तुम लोग ये कर देंगे, तो डर से नहीं गया, तो उसको हम गवाह नहीं दे सके, जिसका कारण से मेरा यहाँ खारिज केस हो गया, तो केस खारिज हुआ, केस खारिज हुआ, रजिस्ट्री रद्द नहीं हुआ, रजिस्ट्री रद्द नहीं, रजिस्ट्री तो वसीयतनामा है, अगर यदि मेरा वो केस जो हो चाहे नहीं हो, वो तो जैसे कहिए कन्यादान, अगर कन्यादान करते हैं कन्यादान लेते हैं उस तरह से मेरा वो वसीयतनामा है, मेरा वसीयतनामा एक भरवली है, बुढ़िया बसाई है मेरा, बुढ़िया सब कुछ की, बुढ़िया का जमीन है, बुढ़िया का वंशावली में आते हैं, उसको कुर्सी नामा आते हैं, आप देख सकते हैं, आप उसके वंशावली में आते हैं, कुर्सी नामा में आते हैं, ये सभी चीज़ें सही है, लेकिन अगर वो जमीन बुढ़िया आपको वसीयत की उससे पहले अगर मेघन दास बाबा अगर वसीयत कर दिए होंगे या फिर दान पत्र में दे दिए होंगे जमीन मंदिर के नाम से, और ये अगर प्रमाणित हो जाता है तब तो वो जमीन फिर आपकी नहीं रहेगी, ये हाँ, पेपर अगर मिल जाता है तो हाँ, ये पेपर लोकनाथ महतो का रजिस्ट्री या तो वसीयतनामा जहाँ तक मेरा है जानकारी, लोकनाथ महतो का नहीं, बाबा मेघन दास जो किए हैं हाँ। समाज का कहना है बाबा मेघन दास जो है दान पत्र के माध्यम से पूरी जमीन अपनी जो है वो राम जानकी मंदिर के नाम कर दिए और समाज को सौंप दिए, वो जो है दान पत्र उसका कागज है, अगर यदि वो समाज का अगर यदि नाम से अगर लिख दिया होगा मेघन दास बाबा जी तो उसको पेपर बताने कहिए, सिर्फ जो है अगर वो पेपर निकलता है तो बुढ़िया का जो वसीयतनामा है वो तो फिर इल्लीगल हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, बुढ़िया मेरा वसीयतनामा खारिज हो या नहीं हो वो तो जो ऐसे दूसरी बात है, लेकिन बुढ़िया में मेरी बसाया, ये बुढ़िया का जमीन है, मेघन दास का जमीन है, ये किसी का जमीन नहीं, अगर लोकनाथ महतो अगर एक ढीसमिल अगर एक चौवा कहीं अगर दिया होगा जरा बता दे, और बहुत दाता दान, और लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो दान किए हैं राम जानकी मंदिर के नाम से जमीन, बोले कोई नहीं किया है, तो कोई अगर जो किया है तो उसको पेपर बताने कहिए, नहीं किया है कोई, अगर कल कोई के बैठक में ये बातें आ रही थी कि और भी लोग हैं जो राम जानकी मंदिर के नाम से जमीन दान किए हैं, इसमें क्या कहना है, अगर कोई अगर दान किया है व्यक्ति राम जानकी मंदिर में मौसी बारी में और जो है धजवटाण कहते हैं, अगर कहीं जो ये फील्ड में कहीं अगर यदि राम जानकी मंदिर के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति अगर दान किया होगा तो जरा बता दे, ये पीपल के पेड़ पास तो जो जमीन था कुंजल चमार रमटहल चमार गोकुल चमार और आपका विराज महतो, ये जमीन कीर्तन तुरी ये जमीन जिसको है जिसका ये मेरा पास सदा पेपर है, सदा पेपर में लिखा हुआ है, इसका प्रमुख साहब के नाम से डीड है गुरदयाल महतो का,
बालेश्वर महतो का नाम से डीड है और गुरदयाल महतो का भाई उसको नथुदयाल के नाम से है। ये तीनों आदमी के नाम से डीड है। इस यहाँ बाउंड्री जब हो रहा था उस समय पूरा चट्टी बड़का गांव मिल करके बाउंड्री कर रहा था, तब हमने थाना में जा करके हमने अपना सफाई मारे और दिए, तो थाना वाला और सीईओ वीडियो सब ने बोला कि नहीं ये मंदिर का है, मंदिर का रहेगा, स्कूल का आने जाने का रास्ता रहेगा। तब आज ये मंदिर जमीन खाली है, और नहीं तो ये भी जमीन कभी भी ये जिसका नाम से डीड है क्या वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। आज छोड़ दे रहा है, कल मतलब ले लेगा। आज कहता है लोकनाथ महतो कहता है कि मंदिर मंदिर, आज लोकनाथ महतो ये मंदिर का ग्राउंड का जो बाहर जो जमीन दिख रहा है ये लोकनाथ महतो का शशि महतो के दहाया हुआ अर्थन। अभी लोकनाथ माँ ये रामजानकी मंदिर का जमीन अभी यानी कई एकड़ रहता, अभी यहाँ पूरा गांव तक रहता, पूरा फिर जाता, ये लोकनाथ महतो का देन है। रामजानकी नाम से मंदिर रहता लेकिन आप तो उसको अपनी पत्नी के नाम से करा रहे, ऐसा क्यों करा रहे? हम अपना पत्नी से मेरा बुढ़िया की बसियत की है, बुढ़िया का बाल बच्चा नहीं थी, पटेल ट्रांसफर को मतलब बुढ़िया की, बुढ़िया का उसका सेवा समार की, बुढ़िया का जितना डायरेक्ट जो वसीयत हुआ है आपके पत्नी नाम से जी, आपके नाम से नहीं, नहीं जी नहीं, उस बुढ़िया की डायरेक्ट इसको उसको देख रेख सारा सब सफाई पूरा सब कुछ की बुढ़िया की ही। तो चलिए, जमीन जायदाद की जो मामला है उसमें यही समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो है जिनके पास जमीन है बाबा मेघन दास का जो है पुरखों का जमीन, और ये उस पर ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारे वंशावली के अंदर में आता है और वो लोग कब्जा किए हैं, और चूंकि वो इसको हथियाना चाहते हैं, जो वो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं ये रामजानकी मंदिर का जमीन है हम नहीं देंगे, और विवाद इसी के बीच है, और भी बात करेंगे। अब हमको एक बात ये बताइए कि दो ढाई महीना पहले के लग की बात है कि शशि मेहता और कुछ लोग जो आए थे सुरेश महतो रामनाथ महतो ये सब, उन लोग का आरोप है केस विवाह थाना में कि आप लोगों ने आपके पुत्रों के द्वारा और आपके द्वारा उनके ऊपर वार किया गया। क्यों वार किया गया, क्यों मारपीट पर उतर आते हैं आपको पुजारी जी? हमने एक दिन पहले मेरा सूचना आया, हम कहीं गए थे निमंत्रण मांगने के लिए, वहाँ से मेरा रेंटदार फोन किया कि चचा से मतलब रेंट मांगने आया है शशि महतो धर्मनाथ महतो वगैरह वगैरह सब ये सब सुरेश महतो वगैरह मांगने आया है, हम कहे बाबू अगर तुम लोग देता होगा उसको तो तुम दे दो। तो बोला नहीं हम तो दिए नहीं हैं, हम तो दिए हैं आपको, आपको देंगे, आप अगर कह दीजिएगा तब देंगे। हम कहे तो फिर मेरा ख्याल पूछ रहे हैं, आप दे दीजिए उसको। तो बोला नहीं इसे सुबह आइए और सुबह उन लोग 9 बजे आएगा तो मतलब यानी आप आइएगा, हम सुबह फिर इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह आया सुरेश महतो ने आया पहले किराया मांगने के लिए लोकनाथ महतो का बेटा पास अमरेश पास, तो लोकनाथ महतो का बेटा चट्टी का जो अमरेश महतो ने बोल दिया कि उनको बुलाइए अगर वो कह देंगे तो हमने दे देंगे। तो हम जब गए तो सुरेश महतो वो धीरे धीरे टल गए चल गए, और उसी हम वहीं दरिया में बातचीत कर रहे थे खड़ा थे, और शशि महतो रंजीत महतो धर्मनाथ महतो गुलिया का बेटा रवि महतो और सुरेश महतो नवीन महतो धर्मनाथ महतो ये सब मिलकर के आया। सबसे पहले वार किया मेरा शशि महतो, शशि महतो ने मेरा मारने लगा, धर्मनाथ महतो मारने लगा, पूरा मेरा मार करके मतलब कहिए था मानी परास्त कर दिया। तब ने हम चिल्लाए गुहार लगाए, तब मेरा बेटा बहू सब ने निकला और मेरा जान से मारने के लिए वेल्डिंग दुकान यहाँ दुकान है उसमें रड निकालने के दरिया में उसको शशि महतो का कटा है, और अगर यदि वो रड अगर निकाल पाते तो मतलब है मेरा जान वहाँ दम एकदम स्पोर्ट मतलब कि ख़त्म था। तब मेरा बेटा और मेरा बहू ने मतलब जान बचाया, थाना में फ़ोन किए तो थाना वाला नहीं आया। उससे पहले लोकनाथ महतो वहाँ गए थे बैठे हुए थे, और लोकनाथ महतो बैठ करके ये सब तमाशा बना रहा था, और तब जैसे उसको हाथ जो कटा उसको रड खींचने के लिए वहाँ धारे धार वहाँ पत्ती वगैरह सब रहता है, और तब ने उसको बांधा उसको बाद फिर चला गया, और लोकनाथ महतो जितना था वहाँ बैठ करके मतलब कि यानी केस मेरा दायर किया है। तो हमारा कहाँ गलती, आज हाँ हम भी केस किए लेकिन मेरा केस नहीं लिया गया, बड़ा बाबू ने बोल दिया। आज इससे पहले बड़ा बाबू जो था बदली हो गया, हम लोग शाम के गए जय हिंद महतो और हमने गए तो बोल दिया कि बड़ा बाबू कि आप जो है से पंडित जी आप जाइए कोर्ट से कीजिए, हम यहाँ क्या करें, धोती वाला आ जाता है हम धोती वाला बात सुने एक आपका बात सुने, अगर आपका बात नहीं सुनते मेरा नौकरी का सवाल है, तुरंत कह देगा कि बड़ा बाबू ने पैसा ले लिया, जिसका चलते आप आगे जाइए आप एसपी पास जाइए, हम एसपी पास डीएसपी पास सारा पास गए सारा पास आवेदन दिए उसको सारा मेरा पास रिसीविंग है, लेकिन पैसा वाला का थाना है और किसी का तो मतलब गरीब का देखने वाला तो है नहीं। आज अगर यदि हम शशि महतो इससे पहले बोला ऑफर दिया कि या तो तुम जमीन दे दो 6 कट्ठा जमीन भाट टोली में, या तो तुम 5 लाख रुपया दो
और नहीं तो जितना यहाँ रेंटदार है उसको उठा करके वो पैसा मेरा दो, तुम्हारा उठाना है। लेकिन ये किसी का कहना नहीं है कि कहाँ पैसा जा रहा है इसे। हमने कह दिया कि ये तीन शर्त कभी नहीं होगा, मरना कबूल करेंगे लेकिन हम देना कबूल नहीं करेंगे। ही नहीं देने के कारण से आज ये मेरा मारपीट कर रहा है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य समाज के अध्यक्ष शशि कुमार मेहता पर कि वो हमको पैसा मांग रहे थे, बिल्कुल रेंट का पैसा कह रहे थे उठा करके हमको दे। आप इस बात का अडिक रहिएगा, एकदम पूरा हम अडिक है जहाँ मेरा बोलने कहिएगा। अगर शशि महतो नहीं मांग किया, अभी ओमी चौधरी मर गया, नानू राणा मर गया, लोकनाथ महतो को तो जमीन लिख दिए, फिर वो आपके पीछे पड़े। लोकनाथ महतो तो लोकनाथ महतो का पीछे इसलिए मेरा पड़ा हुआ है कि लोकनाथ महतो सोच रहा है कि इसको पीछे अगर हम पड़ेंगे तो वो जो 5 कट्ठा जमीन जो वहाँ भाट टोली में है और दबंग लोग से मतलब पार्टी बना करके एक फ्लैट और बनाएंगे। जमीन के लालच, जमीन के लालच है उसका। लोकनाथ महतो था उसको हो सकता है यानी जब मरने के बाद उसको स्वर्ग जाएगा, सब सारा जमीन जाएगा। पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मनाथ महतो भी आपके खिलाफ है, उनका क्या कहना है? उसका कहना है कि उसका घर का पीछे जमीन है, उसका मांग है। मुखिया रंजीत कुमार मेहता पश्चिमी पंचायत, वो आपके पीछे पड़े हुए, क्या कारण? उसका कारण है कि 2 कट्ठा जमीन वो हासिल किया है, जोत रहा है, आबाद कर रहा है, पूरा कर रहा है। सुरेश महतो, सुरेश महतो पास 1 एकड़ जमीन है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी अति कर रहा है, आज 10 साल से खा रहा है। आज यहाँ रेंट जो है हमारा, अगर सच पूछिएगा तो 4 साल से किराया बाकी है, 4 साल से ये लोकनाथ महतो उठा रहा है। और लोकनाथ महतो उठा कर मंदिर हम क्या करें, मंदिर चलावें कि इधर पेट चलावें, इधर बाल बच्चा चलावें, कि बुढ़िया का आल जाल जितना जगह है उसको हम देखें। धर्म दामोदर मेहता चट्टी के हैं, उनके पास तो कोई जमीन नहीं है? नहीं, उनको पास कोई जमीन नहीं। फिर वो आपको आपका खर्चा पानी सारा रोकने का कल प्रस्ताव दिए बैठक में कि उनको मंदिर से हटाना, तो सारा उनका खर्चा पानी बंद कर दिया जाए, तो वो क्यों पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए दबंग लोग का मतलब जानबे करते हैं कि नहीं, कि टोपी टोपी मिल जाता है, पार्टी पार्टी मिल जाता है, तो उसको बात सुनेगा मेरा बात। सब महतो हैं चिट्ठी के, उनके पास तो कोई जमीन नहीं है, नहीं है, फिर वो क्यों आपको निकालना चाह रहे हैं? जमन महतो ये सब जो है पहले सब बोल रहा था, क्या नहीं अभी सब किसी को अगर देने लगे, दारू मुर्गा शिकार खिलाने लगे तो फिर चिंतामणि ठीक है, नहीं देने के कारण से ये सब मतलब जो है गलत है। बाबा जी आप जो बताएं, लेकिन कल की जो बैठक हुई उसमें हम थे और आपको हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास जमीन है वो आप कब्जे में करके रखे हैं, हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उनके मन में कुछ लालच हो इसके लिए आपके पीछे पड़े हों, लेकिन वहाँ जो मैक्सिमम लोग थे उनका यही कहना था कि राम जानकी जो मंदिर है वो समाज का है और वो समाज का होना चाहिए, और इसीलिए वो आपके अगेंस्ट में है और आपको किसी भी हालत में यहाँ से निकालना चाहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल कमेटी का गठन भी हुआ है, 31 सदस्यीय कमेटी का, और वो कमेटी फुल एक्शन में है और वो कमेटी आपको किसी भी हालत से मंदिर से निकालना चाहती है, और ये आपको हम आज अपने चैनल पर बता रहे हैं। अब आप इसके लिए काउंटर कैसे करेंगे सो बताइए। ये इसका लिए काउंटर हमने सब तैयारी हो गया है, इसका लिए काउंटर हो रहा है, हम सारा जगह जगह जनता से आप क्या चाहते हैं, बड़काओं की जनता से क्या सहानुभूति चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने सफाई में? मेरा कानून जो कहेगा वो करेगा, ये जनता का जमीन चुकी है नहीं, ये ओनली फॉर बुढ़िया का है, बुढ़िया आपको लिख दी, बुढ़िया मेरी लिख दी है, तो ये समाज मेरा कोई नहीं है, ने लोकनाथ महतो मेरा मिला करके आपका कहना है मेरा जमीन हमारी है, हम इसकी रक्षा करेंगे जी, और जहाँ तक होगा कानून में हम लड़ेंगे, कानून अगर हमको बेदखल करेगा तभी भागेंगे, नहीं तो हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, और उन लोग अगर मार के फेंक देगा तो फिर फेंक देगा, हम तो तैयार है मरने के लिए तैयार हैं। अगर लोकनाथ महतो चाहता है, अगर ये जमीन राम जानकी मंदिर का और अपना बाप पूर्वज के नाम से अगर करना चाहता है तो लोकनाथ महतो अभी आवे, अभी हम लोग सब 5 बेकर के गोली मार दे, चाहे भोजन दे दे, चाहे जो भी करना है, जो हरकत मतलब घुट घुट का जो जिया रहा है, ये काल शराब लेगा, काल कल्पना ले जाएगा, उसको सारा हो जाएगा, और नहीं तो मेरा प्राण कुर्बानी देना चाहे कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मंदिर से निकलेंगे नहीं, मंदिर में काहे नहीं कुर्बानी हो जाएंगे, लेकिन मंदिर से निकलेंगे नहीं, मंदिर किसी का है नहीं, मंदिर है पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ अगर यदि चट्टी हो चाहे तैसो गांव पूरा प्रखंड हो, अगर किसी के साथ हम अगर बेतहमेजी करेंगे तो आप आ करके बोल सकते हैं, आप अभी जा करके देख सकते हैं, मेरा जो धर्मशाला बनाए हैं, जो हॉल बनाए हैं पूरा पूरा खाली है, शादी विवाह होता है, तरह तरह का और फंक्शन होता है, मतलब पूरा खाली रहता है, किसी का कोई परेशानी नहीं होता, रात का कोई भी अगर आता है उसको नहीं रहने देते थे पहले, कि मेरा कुआं में कोई डूब गई थी, जिसका चलते थाना से आदेश हुआ कि कोई अगर रहता है तो उसको आधार कार्ड ले लिया है तो थाना से लिखवा करके उसको मांगिए, उसको बाद रहने दीजिए, कल के डेट में अगर किसी तरह से कुछ होगा तो फंसेगा कौन, चिंतामणि फंसेगा। आज तक जखनी बुढ़िया मर गई थी
तखनी समाज के करना चाहिए, तखनी लोकनाथ महतो के आग देना चाहिए, तखनी समाज के करना चाहिए ने, लेकिन तखनी समाज नहीं किया, तखनी चो करेगा चितमनिया करेगा। और आज समाज आ गया, समाज का अगर यदि है तो समाज पेपर बतावे, जबरन बताने से नहीं होगा। कुर्बानी दे देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, मंदिर नहीं छोड़ेंगे, पुजारी चिंतामणि महतो का कहना है। और इनका कहना है कि अगर मंदिर है तो मंदिर समाज का है, जमीन समाज का नहीं है। हम मंदिर में पूजा करने से किसी को रोकेंगे नहीं, पैसों गांव का लोग आए, जहां के लोग आए, दुनिया धरती के लोग आए, पूजा करेंगे, आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन पर अगर धावा बोलेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जमीन हमारी है, हमारे पुरखों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आप एक चीज़ हमें और बताइए कि मंदिर को आपने बोल दिया कि मंदिर में कोई पूजा करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन तो हमारी है। अब ये सवाल भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं कि रथ पूजा हुआ, इतना बड़ा पूजा हुआ, आपका क्या दिक्कत था? 1000-2000 का बात था, मंदिर को थोड़ा सा पुचाड़ा उचाड़ा करवा देंगे। रेंट वाला हमने जा करके शिवरात्रि से पहले मांगे, रेंट वाला पैसा बोल दिया कि लोकनाथ महतो ले रहा है, लोकनाथ महतो कह देगा, तभी हम लोग लोकनाथ महतो जा पूछिए। पैसा तो मेरा पास आ नहीं रहा है। इसका पहले आप जो ऐसे देख सकते थे कि मंदिर पहले क्या था, नहीं था, मेरा स्थिति यही खराब है। 2018 में मंदिर में कुछ निर्माण कार्य कराए। 2018 का आपका आप देख सकते थे कि जब हम आए उस समय के क्या दृश्य था, 2018 में क्या था और का क्या था, अगर आप सोचा देखिएगा तो हम सारा चीज़ आपको बताएंगे, हम विस्तार से पूरा बताएंगे। रेंट नहीं दे रहा है हाँ, पूरा नहीं दे रहा है। आप रेंट वाला से पूछ सकते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी और जमीनें हैं, बहुत तरह का जगह है, तो अपना वो वहाँ पूजा करने के लिए रहते और पारिवारिक रूप से बसे हुए हैं, जो मंदिर के लिए ठीक नहीं है। ये पारिवारिक आज नहीं, ये पारिवारिक पूरा बुढ़िया जब से जीवित थी, मेघन दास थी, उसका पूर्वजों से ये मेरा चलते आ रहा है। किसी आज हम उपटरिया नहीं आए हैं कि मेरा फैमिली के साथ, आज नहीं, पूरा चल रहा है। तो हम क्यों नहीं, बुढ़िया मेरी बसाई है। अगर किसी का बेटी अगर शादी कर दीजिएगा तो उसको का किसी कहिएगा कि आप नहीं रहिए, पत्नी नहीं रहिए। हम कहते हैं कि मंदिर में ठीक है, और बुढ़िया का जैसा मतलब परिस्थिति है, ऐसा बहुत हमारा चट्टी बड़का गांव था, ऐसा गांव में जिसका बेटा खाली बेटी है, बेटा नहीं है। धर्मनाथ महतो का भगिनी बहन जो मसुमात है, उसको धर्मनाथ महतो के बोलिए कि वो चट्टी समाज के दे देने कहिए, और धर्मनाथ महतो के बेटी बहन और भगिनी उसको पूरा समाज में खिलाने कहिए, उसको समाज में डोनेट कीजिए, कहने जमीन कहने कहिए। भूनंदन का जमीन लोकनाथ महतो अभी जो रखे हुए हैं, भूलक महतो का बेटा धनेश्वर महतो ने उसको बोला था देने के लिए, लेकिन धनेश्वर महतो का दिया नहीं, अभी भूनंदन महतो का रखा है। तेरा भूनंदन महतो का जमीन समाज में तो नहीं देने कहिए। लोकनाथ महतो बहुत दातादानी है, बहुत मतलब जो से मतलब पेशाब से पूरा भरल रहता है, चौक में जरादूढ़ी में जमीन दान करने कहिए, जहाँ पहले बुजुर्ग था वहाँ, तब हम जानेंगे धर्म लोकनाथ महतो के यहाँ बहुत जमीन लोकनाथ महतो, हाँ लोकनाथ महतो के दातादानी है, तो उसको देने कहिए। चार आना अगर पैसा अगर लोकनाथ महतो ने अगर दिया होगा तो खाली मंदिर में हेल के बोलने कहिए कि चार ना दिया हो। लोकनाथ महतो ने जाके कोर्ट में बोल, महेंद्र महतो, हम ये तो बोले हैं, तेरे बोले हैं, महेंद्र महतो और रंजीत महतो जो जमीन जोत रहा है, और रंजीत महतो जमुना महतो ने यहाँ खुद आकर के बोला कि आधा जमीन मेरा दे दो और आधा जमीन अलमोल महतो के दे दो। अगर नहीं बोला होगा तो बोलने के, रंजीत महतो का माँ ने बोला कि आधा ओकरा दे रहा, आधा हमारा दे रहा। अगर नहीं बोला होगा तो उसको जाकर पूछ सकते हैं। आज अगर जमीन वो देते और दान में देते, कोई पैसा उसा नहीं, जाकर चुप से लिख देते, ये सब कहानी नहीं होता। पैसा की जहाँ बात किए यही सब कहानी हो रहा है। यानी जो जमीन के पीछे आपके पड़ा हुआ है वो तो आपके पीछे है, लेकिन जो समाज के कुछ लोग पड़े हुए हैं, आपका कहना है कि वो लोग मतलब क्यों पड़े हुए हैं, वो भ्रमित हो गए हैं, उनको भरमा दिया गया, उसको भरमा दिया गया है। लोकनाथ महतो एक मुद्दा भरमा दिया गया, और हमारा चट्टी बड़का गांव का पूरा समाज ये नहीं है, बड़का गांव चट्टी का कुछ दबंग लोग जो मतलब शुरू से ऐसा करते आया, उन लोग मतलब मेरा मतलब यानी आगे मतलब यानी ये यानी दबाव डाल रहा है, और पूरा चट्टी बड़का गांव मेरा दबाव नहीं डाल रहा है। अगर मेरा आप चचा से लोग यानी हरदयाल महतो साहब पूछ सकते हैं, मेरा चचा है, उससे पूछ सकते हैं कि इसका सच्चाई क्या चीज़ है। लोग कल उस मीटिंग में नहीं आए, बोला कि हम क्यों जाएंगे जब मेरा पूर्वज का वो जमीन है। हम गए जब वहाँ पुराना घर में तो बोला कि बोल क्या हुआ बाबू, हम कहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, उन लोग का जो करना था किया, तो बोल उन लोग का करने दो, हम है ने मेरा जब मेरा बाप पूर्वज का जमीन है, किसी का को ले लेगा। हम तो बोलते हैं खुलेआम, जितना बड़का गांव चट्टी में जिसका जिसका बेटा नहीं है, जिसका जिसका बेटी है, बहुत ऐसा कहा। अभी निर्मली महतो भी मंदिर बनाया है,
दोहरवा में निर्मली महतो का जमीन जरा समाज में डोनेट करवाइए, और जगह जगह यहाँ आपका चट्टी में है वो जमीन समाज में डोनेट करवाइए, तो हम क्यों नहीं डोनेट कर देंगे, एकदम खुशी जा कर दे देंगे। और ये जो लोकनाथ महतो यहाँ जो बाउंड्री वाउंड्री वगैरह वो दियाया नानू राणा और जो छट्टू महतो मंजीत सोनिया वगैरह ये सब जो लिया है, जो जमीन हम ले रहे थे जिसमें हम पाल किए थे, ये जमीन ये दहाया है। जरा लोकनाथ महतो के कहिए, समाज पूरा ग्रामीण जनता से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जितना है उसको कहिए कि ये जमीन आपस करने कहिए, तो हम पुनः जा कर के हम मंदिर का जमीन जितना होगा डोनेट कर देंगे, जिसको नाम से कहिएगा उसको नाम से कर देंगे। जरा करने कहिए, वो जमीन हम सौदा किए थे धर्मचंद महतो, हम तिलानाथ जा करके सौदा किए थे 2,00,000 रुपये इकट्ठा, और यहाँ आ करके मतलब जब बोले मीटिंग था तो लोकनाथ महतो बोल दिया कि बाप तुम क्या करने लगा। उसी दिन से पेरा पूरा समाज में हल्ला कर दिया कि चितमनियत करोड़पतिया बन गया, और ये मंदिर का जमीन जो लिया लिखाता तिलानाथ ने बोला कि बाबू ये जमीन हम लेंगे तो किसको नाम से लिखेगा, हम के बाड़ा आप ही बताइए। बोला नहीं तुम बोलो, तुम वहाँ जबकि है, हम बोले कि राम जानकी मंदिर मेला टाँड के नाम से रहेगा तो सारा का होगा, राम जानकी मंदिर मेला टाँड। अगर पुजारी में व्यवस्थापक में और किसी में कुछ अपना का नाम देना है चाहे किसी का नाम देना होगा दे दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तब जा करके रसूल मियाँ अभी जीवित है, रसूल मियाँ जाकर बात कर सकते हैं, रसूल मियाँ मेरा मिट्टी दिया उठा करके हम भगवान पर चढ़ाए, उसको बयाना दिए, और ये सब उसी दिन से पूरा बखेड़ा बना लिया है कि चितमनिया करोड़पतिया बन गया, चितमनिया पास बहुत धन है, चितमनिया से कैसे लूटो, कैसे उसको मारो, कैसे उसको काटो, उसी दिन से सारा मतलब अपहरण वगैरह जितना सब करा रहा है, करवा रहा है, कितने लोकनाथ महतो करवा रहा है। चलिए बातें बहुत हुई, आपको बताते हैं कि जो खुल के चीज़ें आज आई है, चिंतामणि महतो पुजारी का साफ साफ कहना है कि जमीन हमारी है, हम इस पे रहेंगे, कोर्ट हमको भगाएगा तभी भागेंगे, और नहीं तो समाज चाहेगा बाजबरन हम पर मारपीट करके या डरा धमका करके भगाए तो हम मर्जा कबूल करेंगे जमीन मंदिर प्रांगण में, लेकिन निकलेंगे नहीं। मंदिर में पूजा करने में किसी की मनाही नहीं है, लोग आए पूजा करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर हमारी है, हमारे पुरखों की है, इसकी जमीन हमारी है और ये हम अपने पास रखेंगे। दूसरी चीज़ ये खुलकर आई, इन्होंने कहा कि जो लोग अगुवाई कर रहे हैं मंदिर समाज का है चिंतामणि को वहाँ से निकाला जाए, ये जो अगुवाई लोग कर रहे हैं कुछ लोग, इनका साफ साफ आरोप है कि वो लोग हमसे जो जमीन है हमारे पुरखों की और जो हमारी जमीन है जो बुढ़िया वसीयत कर दी है वो दखल में रखे हुए हैं, कब्जे में रखे हुए हैं, और वो हम मांगते हैं तो नहीं देते हैं, और इसीलिए वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इनको जब मैंने ये कहा कि कुछ जमीन जो आपकी लोग रखे हुए हैं वो लोग तो चलिए ठीक है माना जाए कि आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन समाज के और भी लोग हैं जिनको जमीन से आपका कोई मोह नहीं है, कोई कब्जा नहीं किया हुआ, फिर वो क्यों आपको मंदिर से हटाना चाहते हैं। इनका कहना ये हुआ कि वो लोग को बरगला दिया गया, वो लोग को भ्रमित कर दिया गया है, वो लोग सच्चाई नहीं जानते हैं कि जमीन किसकी है, वो लोग को केवल ये बता दिया गया है कि जमीन जो है सार्वजनिक है, समाज की है, और इसीलिए वो आधी जानकारी के कारण हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज इन्होंने सारी बातों का खुलासा किया, क्या पेपर है इनके पास, समाज के क्या पास पेपर है, आपको पिछले वीडियो मैंने दिखाया था कुछ पेपर था जो ठीक है, ये भी कुछ अगर पेपर अभी देंगे तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी जो ये जटिल समस्या है मुझे लगता है कि मामला हाईकोर्ट में है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट का इसके ऊपर क्या निर्णय आता है, क्योंकि ये चिंतामणि महतो ने साफ साफ कह दिया मरना कबूल करेंगे लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, मंदिर नहीं छोड़ेंगे। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार मेरे ख्याल से होना चाहिए। और इस बीच जो कमेटी गठन हुई है, समाज के लोगों ने कल जो कमेटी गठन किया है कि मंदिर को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, वो लोग जो कमेटी गठन किए हैं समाज के लोग, उन लोगों का कहना है कि मंदिर जो है हम लोग टेक ओवर करेंगे, हम लोग के अंदर में आएगा, हम लोग उसको चलाएंगे। चिंतामणि महतो का कहना है कि हम इसके वसीयत में हैं, हम भाई इनके कुशीनामा बंसावली में हम चलाएंगे। अब देखने वाली बात यह होती है कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, और कमेटी जो गठन हुई है 31 सदस्यीय कमेटी, वो किस लक्ष्य तक पहुँचती है, वो क्या एक्शन लेती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस मुद्दे पर, राम जानकी वाले मुद्दे पर आगे और भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।